नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास जानकारी। आज हमारी खास वीडियो है, अमरूद की पत्तियों से करें डायबिटीज को कंट्रोल और मिलेंगे और भी फायदे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर अमरूद का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इसकी पत्तियां भी किसी आयुर्वेदिक औषधि से कम नहीं है? डायबिटीज और मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए आज हम आपको अमरूद की पत्तियों के कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप इसका सेवन शुरू कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसके सेवन के बारे में। इसका सेवन आप दो तरीकों से कर सकते हैं। रोजाना 2 से 3 अमरूद की पत्तियों को यूं ही चबा लें। इससे आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। अमरूद के 5 से 6 पत्तों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। इसके बाद करीब 1 लीटर पानी में इन पत्तों को डालकर 10 मिनट तक उबालें और फिर पानी छानकर 1 गिलास में डालें। आप स्वीटनर के रूप में इसमें हल्का सा शहद भी मिला सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं अमरूद की पत्तियों के फायदों के बारे में। डेंगू बुखार। मॉनसून में डेंगू चिकनगुनिया का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है तो अमरूद की पत्तियां चबाने के लिए उन्हें दे दें। इसके अलावा चाय पीने से भी डेंगू चिकनगुनिया में आराम मिलता है। डायबिटीज। अमरूद अल्फा ग्लूकोसिडेज नामक एंजाइम के कार्य को कम करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज को भोजन में परिवर्तित करता है। इससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित में रहता है। शुगर कंट्रोल करने के लिए दिन भर में इसके 1 से 2 कप चाय का सेवन करें। कोलेस्ट्रॉल को करें कम। गलत खान पान के कारण आजकल लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या अधिक देखने को मिलती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। मगर इसकी पत्तियां रोजाना खाने से इसकी मात्रा कंट्रोल में रहती है। डायरिया में फायदेमंद। डायरिया होने पर 30 ग्राम अमरूद के पत्ते और 1 मुट्ठी भर चावल के आटे को 2 गिलास पानी में उबाल लें। इसे दिन में 2 बार पीने से डायरिया में राहत मिलती है। मोटापा घटाए। सुबह खाली पेट अमरूद की पत्तियों से बनी चाय पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और इससे पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। इसके अलावा इसकी चाय स्टार्च को शुगर में बदलने की प्रक्रिया को भी रोकती है, जिससे वजन घटाने में काफी मदद मिलती है। पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त। इस चाय में मौजूद एंटीबैक्टीरियल एजेंट पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, जिससे फूड पॉइजनिंग, कब्ज, उल्टी और मतली जैसी समस्या दूर रहती है। मुंह में छाले। अमरूद की पत्तियों को धोकर पानी में उबाल लें और इस पानी को ठंडा करके मुंह में गरारे करें। ऐसा करने से दांत दर्द, मसूड़ों की सूजन, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। मुहासों की समस्या। एंटीसेप्टिक होने के कारण अमरूद बैक्टीरिया इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती है। इसकी ताजी पत्तियों को पीसकर मुहासों पे लगाएं और 15 से 20 मिनट बाद ताजे पानी से चेहरा धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से मुहासे गायब हो जाएंगे। ब्लैक हेड्स। इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ ब्लैक हेड्स की समस्या दूर होगी बल्कि यह झुर्रियों को भी कम करेगा। डैंड्रफ की समस्या। इस मौसम में डैंड्रफ की समस्या काफी देखने को मिलती है। ऐसे में आप अमरूद की पत्तियों को पीसकर उसमें नींबू का रस लगाएं। आपकी परेशानी कुछ समय में ही दूर हो जाएगी। डैमेज बाल। कई बार अलग अलग शैम्पू का इस्तेमाल करने से बाल डैमेज हो जाते हैं। 2 कप पानी में अमरूद की पत्तियों को उबालें। ठंडा होने पर इसमें एवोकाडो को मिक्स कर लें और बालों में लगाएं। आधे घंटे बाद बालों को धो लें। झड़ते बालों की समस्या। आजकल अधिकतर लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं। अमरूद की पत्तियों के पाउडर और आंवला तेल को मिक्स करके बालों में लगाएं। इससे बाल झड़ने बंद होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।